that you got me, yeah, you got my heart. Come to me as low. So good morning guys. बारह बारह बजे लोग आते हैं, दस दस बजे उठते हैं, अपना बाहर घूमने जाते हैं अच्छे से, और एक हमें देखो दो दो बजे निकलते हैं हम लोग। अब इतनी आदत हो गई है कि मन ही नहीं करता कहीं कहीं जाने का खास, एकदम हर चीज़ एक्सप्लोर करने का। अब सीधा पॉइंट पॉइंट पे जाते हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी जगह जो हमारे मतलब की है। सो आज चलते हैं, आज काफ़ी सारी जगह जा रहे हैं और आज फिर से टॉप पे जाएंगे। नहीं तो अच्छा रात को जाएंगे वो, और पूरे दिन में देखते हैं आज क्या करते हैं, आइटनरी हमें भी नहीं पता। तो हम चलते चलते डिसाइड करते हैं हम कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, जो हमारे इंटरेस्ट की जगह है वहाँ पे। सो अभी गाड़ी आ चुकी है, मतलब नहीं तानने तो चल रही है अभी साथ में, दूसरी गाड़ी कह रहा हूँ मैं। पापा मम्मी वगैरह भी रेडी है, कार इज हियर। सो वेदर अपडेट है, आज यहाँ पे धूप है और सारी जितनी बर्फ़ थी वो पिघल चुकी है, थोड़ी बहुत ही रह गई है अब, बाकी स्नोफॉल देखने की इच्छा है। Come, let's explore Almaty with us. Yo! ये भालू के लिए मैंने बनाया है, भालू बर्फ से, और भाई सेम लग रहा है ना बिल्कुल। और गाइस ऐसा लग रहा है आजकल से ज्यादा ठंड है, आप बताओ। ऑल्दो मैंने चार लेयर पहन रखे हैं बट स्टिल, और पांच लेयर भगवान ने इसको वैसे गिफ्ट कर रखे हैं। अरे तो वही है वो थ्री इडियट्स वाला 2005 को 5 सितंबर 23 लिखा है या 2000 क्या लिखा है, ये 2302 और 2005, ये वो नहीं है थ्री इडियट्स वाला, आएगा डरेगा तो नहीं। कौन कौन सा चर्चा एक बार मैं खुद नहीं पता कौन सा ये कैथेड्रल। यहाँ पे हमने शूट करवा, अबे हट जा पागल। सो यहाँ पे शूट करवा लिया हमने, प्रोफेशनल अपना भी करा लिया, मम्मी पापा का भी कर लिया। यहाँ पे ना मतलब स्ट्रीट से आपको बहुत सारे फोटोग्राफर दिख जाएगा, कहीं भी आप लोग टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर खड़े होते हैं और अच्छे रेट पे लोग फोटोज वगैरह शूट कर देते हैं प्रॉपर। तो हमने भी करवा लिया, मेरे को काफ़ी ज़्यादा कह रहा था तो नेगोशिएट कर लिया हमने, अभी मैं प्राइसेस बताता हूँ फाइनल हमें क्या बढ़ते हैं। अभी पैर तुम पड़ जाएंगे नहीं। ठंड है कि नहीं है, सारे पता नहीं कूल बन रहे हैं, सब ऐसे टी शर्टों में आ गए कि ओएमजी। सो जो फोटोज वगैरह हमने खिंचवाई थी वो हमें पड़ी अपना कम से कम 100 फोटोज पड़ी हमें। मेरी कोई फोटो रिकॉर्ड नहीं करी कर ली। सो हमें 100 कुछ फोटोज़ पड़ी 1000 रुपये की, 100 अच्छी फोटोज़ नहीं, टोटल जितनी फोटोज थी उसने सारी दे दी थी, 1000 नहीं सॉरी 2000 की पड़ी, बट उसका काम भी 2000 वाला ही था बिल्कुल। कोई खास वन से पोजेस बनवाए ऐसे, मैं देखो ये वाले पोजेस बनवाए थे मेरे से उसने, ऐसे कह रहे घड़ी में देखो वो वाला कर रही हूँ ऐसे क्रॉस हैंड वाला, ऐसे कह रहे ऐसे खड़े हो जाओ, मैंने कहा चल मैं। तो बस यही अपडेट देना था, अब जा रहे हैं हम लोग किसी। सो अब पहुंच चुके हम प्रेसिडेंट पार्क,
प्रेसिडेंशियल पार्क हो गया, प्रेसिडेंट पार्क है और बहुत सुंदर है। सो यहाँ हम पार्क पे आए एंड ये पार्क रेजिडेंशियल पार्क जो है पूरा वाइट ही वाइट है, पूरा वाइट है बर्फ से। अभी यहाँ चलने की जगह दे रखी है बट बर्फ में आया तो बर्फ में चलना चाहिए आप लोगों को, मेरी एडवाइस है। और ये पार्क देखो काफ़ी बड़ा पार्क है और यहाँ झूले वगैरह भी दे रखे हैं बच्चों के लिए, तो काफ़ी सही है, मतलब अच्छी वीडियो वगैरह अच्छा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे। सो यस, तो जहाँ पे हम आए हैं मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स अटैच कर दूंगा, उसके व्लॉग के लिए नहीं बना पाया बट मैंने पोर्ट्रेट में बनाई है, बड़ा फन करा है, सीधा बर्फ में जाके कूद गया मैं और प्लस हाथ सुन हो चुके हैं मेरे। और दूसरी बात ये कि कैमरे में बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि भाई कितना सुंदर है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल वाइट है और बिल्कुल अनटच्ड बर्फ कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम प्लेन जैसे जो स्नोफॉल होकर बर्फ होती है वो वैसे ही लग रही है और इतना सुंदर लग रहा है, मतलब मजा आ गया कसम। या तो जगह का नाम तो बता दे, जगह का नाम है प्रेसिडेंशियल पार्क एंड बता दिया और काफी बड़ा और झूले वूले भी आप बच्चों बच्चों के लिए सब कुछ है, मतलब हाँ सारी फैमिली आई है यहाँ पे तो अपने अपने हिसाब से देख लेना। सबसे बड़ा मेगा मॉल, तो अंदर चलते हैं देखते क्या है। बाकी ये टिप है कि बाकी जगहों से यहाँ पे शॉपिंग ज़्यादा महंगी महंगी है, करेंसी इनकी बेशक डिवाइड होती हो पर ये हाँ ये पापा से मैंने अभी बात करते हैं, जो यहाँ की करेंसी हम डिवाइड करते हैं जैसे हम यूजुअली मल्टीप्लाई करते हैं, बट ये एक्सपेंसिव सिटी है, मतलब हाँ मतलब है, टैक्सी वगैरह सही है, खाना पीना वगैरह मेरे ख्याल सही है, बाकी शॉपिंग वगैरह महंगी है यहाँ पे, फ़ोन्स वगैरह के रेट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, डबल का तो नहीं मतलब, पर हाँ सिर्फ 60-70% ज़्यादा का रेट है यहाँ पे, 2 लाख रुपए का फ़ोन था। तो अभी पहुंच चुके हैं एंड सो अभी यहाँ पे आए थे कॉबर टॉप, यहाँ टॉप पे ले जाएंगे गंडोला से जो हमने कल करा था, तो यहाँ पे अब उन्होंने बताया कि गंडोला बंद पड़ा हुआ सुबह से ही और कल भी पक्का नहीं है जाए ना जाए। सो अब हम बाहर जा रहे थे तो एक बस वाले ने बुला लिया कि बस जा रही है आप आ जाओ, तो यहाँ बस पे गए हैं, बस नहीं ट्रैवलर टाइप ही, तो कह रहे हैं यहाँ पे आ जाओ और हमारे साथ चल लो, तो हम यहाँ पे आ गए, सही टिकट थी सस्ती। सो फाइनली वी हैव रीच्ड एंड इट्स वेरी प्रिटी एट द टॉप, और मतलब बड़ा मतलब सारी पूरे उसकी अलमाटी की लाइटिंग्स वगैरह दिख रही है और यहाँ खुद में भी काफ़ी सारी लाइटिंग्स है, मतलब क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए रेडी करा होगा जिन्होंने या फिर ऐसे ही रहता है आई डोंट नो, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई विल शो यू।
मारुति में लिफ्ट किट लगवा के देखो कैसी लगती है, इससे ही बड़ी लग रही है। वापस होटल आ गए थे, क्लबिंग गए थे, बट वहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं था। और बट वहाँ के सबसे बेस्ट क्लब्स में से था ब्लाबला, तो उसी में गए थे। और वहाँ पे रेट्स काफ़ी अच्छे थे, दिल्ली के मोस्ट ऑफ द हाई रेटेड कैफेज जो हैं उससे काफ़ी अच्छे रेट्स थे उनके, मतलब उनसे कम थे काफ़ी। और जगह इतनी अच्छी थी, तो अब देखते हैं, शायद मैं रात को जाऊँगा, अगर कोई चल लेगा तो ठीक है, वरना मैं अकेले तो जाऊँगा ही जाऊँगा पक्का, क्योंकि मेरा मन है। और सारे घूर के देख रहे हैं मेरे को अभी, कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे, पर भाई जाएगा क्योंकि वो तो बहुत अच्छा कैफे, और मैं कहीं भी जाऊँ तो क्लबिंग छोड़नी नहीं चाहिए।